अभी जो पूरा सेटअप देख रहे हो ये पूरा रिचार्जेबल है, ये होम थिएटर रिचार्जेबल है, ये ब्लूटूथ से चल रहा है। अब यहाँ पे ये मेरे पास होम थिएटर पड़ा था पुराना, जिसका अंदर का सर्किट खराब हो गया है, तो ये पूरे होम थिएटर को मैं रिचार्जेबल बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेके कहीं भी जा नहीं सकते। इसके अंदर जो ये केबल लटक रहा है, इसको बोर्ड में कनेक्ट करो, फिर उसके बाद ये बजेगा, उसके बिना ये बजेगा नहीं। और ये बहुत पुराने जमाने वाला होम थिएटर है, तो इसके अंदर ब्लूटूथ भी नहीं है, तो मुझे ब्लूटूथ भी लगाना है इसमें। और उससे पहले ये हेडफोन जैक से चलता था, तो इसी के लिए मैं इसको रिचार्जेबल बनाने वाला हूँ आज। और होम थिएटर था, इसका आउटपुट देख रहे हो, सिर्फ 7 वाट का आउटपुट था, 7 वाट का सबवूफर लगा इसके अंदर, और 2-2 वाट का 2 स्पीकर मिलता था अलग से, तो इसे रिप्लेस करूंगा मैं, और 15-15 वाट का आउटपुट का स्पीकर लगाऊंगा, 2 स्पीकर, और इसके अंदर रहेगा 18 वाट का सबवूफर। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ये बनने के बाद ना इसका बेस भी बहुत अच्छा आएगा, और आवाज भी बहुत लाउड रहेगा, और क्लैरिटी भी मस्त रहेगी, और इसका बैकअप टाइम ही रहेगा 40 घंटे का, 40 घंटे नॉनस्टॉप हम लोग स्पीकर ही बजा पाएंगे, इतना अच्छा बैकअप रहेगा इसका। अभी सब वूफर में अपने को ये सर्किट नहीं चाहिए, तो ये सर्किट मैं निकाल दूंगा। और यहाँ पोटेंशियोमीटर है, ये काम का है अपने बेस कंट्रोल करने के लिए, और ये पावर ऑन ऑफ स्विच स्पीकर ऑन ऑफ करने के लिए, और जो स्पीकर के पोर्ट है ये भी काम का है, इसमें हम लोग 15-15 वाट के 2 स्पीकर के पोर्ट्स लगा देंगे, तो यहाँ से स्पीकर का आउटपुट मिल जाएगा, तो अलग से 2 स्पीकर कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग। और ये वॉल्यूम कंट्रोल का पोटेंशियोमीटर है, जिसको हम लोग यूज करेंगे 15-15 वाट के स्पीकर को कंट्रोल करने में। और इसके अंदर जो है ट्रांसफार्मर दिख रहा है 7 वोल्ट का, इसको भी निकाल देना, ये भी काम का नहीं अपने। अब सारे कनेक्टर्स और वायर्स को अलग कर देता हूँ मैं पीसीबी से, और इसको हटा देना है। अब इसके 4 चैनल वाले कनेक्टर को मैं निकाल लेता हूँ, ये बाद में काम आएगा अपने। अभी 12 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी यूज करूंगा मैं, इसको भी मैंने खुद ही वायर कनेक्शन किया है। और सबवूफर में बेस के लिए मैं ये वाला TDA 2030 वाला बोर्ड यूज करूंगा। अभी इस बोर्ड का आउटपुट इस कनेक्टर में मैं दे दूंगा। अभी इस PAM 8610 वाले बोर्ड में 470 UF का कैपेसिटर लगाना है, और इस बोर्ड को मैं ऐसे सेट कर दूंगा यहाँ पे। अभी इस बोर्ड में से हीट सिंक को हटा देना, क्योंकि ये काम का है नहीं। अभी जो पैनल है इसी पे सेट कर दूंगा। अब इस DC जैक को मैं यही सेट कर दूंगा, इससे बैटरी चार्ज होगा 12 वोल्ट का। अब कनेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ग्राउंड वायर दे देना है पावर सप्लाई का हर एक सर्किट में। अभी जो TDA सर्किट है, यहाँ से एक वायर लेना है, इसको ग्राउंड कनेक्ट करना है, फिर ये वायर PAM 8610 वाले एम्पलीफायर में जाएगा, फिर वहां से होते हुए स्विच में जाएगा, फिर स्विच से DC जैक में जाएगा, फिर DC जैक से लास्ट बैटरी में जाएगा। तो सिंपल ऐसे कनेक्ट कर देना। अब यहाँ पूरे सर्किट की ग्राउंड तो कनेक्ट हो गया है, अब 12 वोल्ट प्लस की वायरिंग करते हैं सारे सर्किट में। अब 12 वोल्ट प्लस की वायरिंग एकदम सेम है, TDA में जाएगा सबसे पहले, फिर PAM 8610 पे जाएगा, फिर वहां से DC जैक में जाएगा, और DC जैक से बैटरी में। अब इसे स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए मैं ये वाला ब्लूटूथ यूज करूंगा 3.0 वाला। और इसके पावर सप्लाई पे मैंने ये वाला कैपेसिटर यूज किया 470 UF का, और साथ में मैंने इसको खरीदा था मेकर बाजार से 70 रुपीज में। इस ब्लूटूथ को मैं इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर सेट कर दूंगा, चिपका दूंगा। अब ब्लूटूथ को पावर देने के लिए मैं 2 वायर कनेक्ट कर दूंगा ब्लूटूथ पैनल पे। अब मैं ऐसा पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा कि जैसे ही पूरा स्पीकर ऑन हो तो ब्लूटूथ भी ऑन हो जाए, तो उसके लिए मैं ग्राउंड 12 वोल्ट के ग्राउंड को ही दे दूंगा, और प्लस वाला इस PAM 8610 के इस वाले कैपेसिटर पे देना, यहां से 5 वोल्ट प्लस आता है, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूं। अब इतनी सी वायरिंग अपना ब्लूटूथ तो ऑन हो जाएगा। अभी ऑडियो इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन कर देते हैं। अभी जो पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, इसका सेंटर वाला पिन ग्राउंड है, और राइट या लेफ्ट ऑडियो इनपुट और आउटपुट का है। अब सारे सर्किट के ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो 2 स्पीकर लगाने वाले 15-15 वाट का, उसका ये वॉल्यूम कंट्रोल है, इसके भी कनेक्शन हम लोग इसी में करेंगे PAM 8610 में। अभी वॉल्यूम कंट्रोलर में से आने वाला ब्लैक एंड रेड वायर ऑडियो इनपुट का है, जो PAM 8610 में जाएगा स्टीरियो के लिए। अब ये जो वायर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये TDA के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, जो बेस कनेक्ट होगा, तो बेस के लिए हम लोग को सिर्फ 1 चैनल यूज करना है।
अभी पोटेंशियोमीटर में जो बताया था ब्लैक एंड रेड वायर ऑडियो इनपुट का है, अब ये येलो एंड व्हाइट वाला जो वायर देख रहे हो ये ऑडियो आउटपुट का है जो PM8610 एम्पलीफायर में डायरेक्ट जाएगा। अब इस पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे ब्लूटूथ के, पर उससे पहले हम लोग को TDI में इनपुट और आउटपुट का चैनल जोड़ना है जो मैंने यहाँ पे पहले कनेक्ट किया था। एक वायर ये इनपुट का है, अब इसका ये दूसरा वाला वायर आउटपुट से जाएगा डायरेक्ट TDI में, इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। जैसा कि मैंने बोला था ये पोटेंशियोमीटर से जो ग्राउंड वायर आ रहा था इसको अब कनेक्ट कर दूंगा मैं ऑडियो के ग्राउंड से। अब ये पूरे कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गए, अब मैं एक छोटा सा टेस्ट करूंगा सारे स्पीकर्स को कनेक्ट करके कि कैसा काम कर रहा है, सारा कंट्रोल्स काम कर रहा है कि नहीं, बेस एंड वॉल्यूम कंट्रोल। जैसा कि मैंने सोचा था सारा कंट्रोल्स और सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, अब फटाफट इसको पैक कर देते हैं और इसका लास्ट टेस्ट देखते हैं कैसा है परफॉर्मेंस देता है। और हाँ, बैटरी का कनेक्शन मत करना भूलना और पोटेंशियोमीटर को भी सेट कर देना है आगे, और बैटरी हिले ना इसके लिए मैं यहाँ पे जहाँ ट्रांसफार्मर लगा था वो जगह पे बैटरी को सेट करूंगा इस तरह से टाई से बांध के, तो ये जगह से हिलेगा नहीं और परफेक्ट सेट रहेगा। इधर स्पीकर्स की भी वायरिंग कर देना है और सेट कर देना है स्पीकर्स को। अब यहाँ मैंने ये दोनों स्पीकर कनेक्ट किया जो 10-10 वाट का है, मेरे पास 15 वाट का स्पीकर था नहीं। अब इसको इनक्लोजर के साथ टेस्ट करते हैं। आवाज तो बहुत सही आ रही है भाई, बेस भी तगड़ा है, वॉल्यूम भी बहुत ही लाउड है। अब तो मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ भाई, कहीं पे भी ले जाके अब मैं यूज कर सकता हूँ इसको, रिचार्जेबल बन गया अब ये। और हाँ, इसका चार्जिंग टाइम सिर्फ 4 घंटे का है, आपको पता चल रहा है कि नहीं पता नहीं, इसका आवाज बहुत ही सही है भाई। अब इसका बेस सुनो एक बार। कहाँ इसमें 2-2 वाट के स्पीकर लगे थे और इसमें मैंने 2 स्पीकर लगा दिया वो भी 15 वाट के। अब इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।